दोस्तों, रिच लोगों को बिलीव होता है कि वो अपनी लाइफ अपने आप क्रिएट करेंगे और पुअर लोगों को बिलीव होता है कि उनकी लाइफ किस्मत में जो होगा वैसे बनेगी। अगर तुम वेल्दी बनना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ पर है, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल लाइफ। और अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीव नहीं होगा तो आपकी लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ा ये ना के बराबर कंट्रोल होगा। आपने नोटिस किया होगा, गरीब लोग अपनी सारी संपत्ति लॉटरी खेलने में लगा देते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि एक ना एक दिन वो लॉटरी से अमीर बन जाएंगे। सभी लोग लॉटरी खेलना चाहते हैं, जबकि रिच लोग भी खेलते हैं फन के लिए, लेकिन वो कभी भी अपनी आधी सैलरी स्पेंड नहीं करते लॉटरी खेलने के लिए। लॉटरी से वेल्दी बनना उनकी प्राइमरी स्ट्रेटेजी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय पुअर लोग अपने आप को विक्टम समझते हैं। विक्टम तीन टाइप के होते हैं, पहला ब्लेम, दूसरा जस्टिफाइंग और तीसरा कंप्लेनिंग। आइए विक्टम नंबर वन ब्लेम को समझते हैं, इसे ब्लेम गेम भी बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया करने के लिए और आप उस काम को नहीं कर पाए। जब आपसे पूछा गया कि काम क्यों नहीं हुआ तो आपने बिना सोचे समझे कुछ लोगों को ब्लेम कर दिया कि उनकी वजह से काम नहीं हो पाया। जो अपने आप को विक्टम समझते हैं वो इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, बिजनेस को ब्लेम करते हैं, बॉस को ब्लेम करते हैं, मैनेजर को ब्लेम करते हैं, ऑफिस को ब्लेम करते हैं, कस्टमर सर्विस को ब्लेम करते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, अपनी वाइफ को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं और तो और अपने माता पिता को ब्लेम करते हैं। गरीब लोग अपनी गरीबी के लिए किसी न किसी को हमेशा ब्लेम करते हैं, इसलिए वो कभी भी रिच नहीं बन सकते। विक्टम नंबर टू जस्टिफाइंग। अगर विक्टम ब्लेम नहीं कर रहा किसी को तो वो अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा होगा। जैसे कि अगर तुम किसी से कहो कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है तो उसका आंसर होगा कि लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वो पैसे ना होने को जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप कहो कि हस्बैंड या वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते। जो भी इंसान कहता है मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके पास रियल में मनी नहीं होती। रिच लोग पैसे की इम्पॉर्टेंट को समझते हैं और सोसाइटी में उसकी क्या जगह है वो भी जानते हैं। पुअर लोग आर्गू करते हैं मनी लव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आर्म्स या लेग में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है तो शायद आप कहेंगे दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मनी उन एरियाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ उसके बिना काम नहीं हो सकता, और उन एरिया में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है जहाँ उसके बिना काम किया जा सकता है। लव बिल्डिंग का रेंट, हॉस्पिटल का बिल या किसी को खाना नहीं खिला सकता। आप ट्राई करके दे सकते हो अपने बिल को लव से पे करके, या फिर बैंक जाकर थोड़ा सा लव डिपॉजिट करके अपने बैंक अकाउंट में, फिर देखो क्या होता है। अगर आपके लिए मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप गरीब हो और हमेशा गरीब रहोगे। विक्टम नंबर थ्री कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग सबसे बेकार चीज है आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ के लिए। जब आप कंप्लेन करते हो तो सोचो आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, राइट पर या रॉन्ग पर? एब्सोल्युटली रॉन्ग पर फोकस कर रहे हो। जिस पर आपका फोकस रहता है लाइफ में आपको वही मिलता रहता है। कभी आपने नोटिस किया है जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं उनकी लाइफ काफी टफ होती है। जो भी वो करते हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता रहता है और उनकी लाइफ बर्बाद होती रहती है। ऑथर कहते हैं कंप्लेन करने वाले लोगों को 7 डेज का चैलेंज लेना चाहिए जिसमें वो किसी को कोई भी कंप्लेन ना करें, ना बोलकर ना दिमाग में, पूरे 7 दिन। शुरू के कुछ दिन बचा हुआ क्रैप उनके अंदर आएगा, लेकिन धीरे धीरे कंप्लेन ना करने की हैबिट हो जाएगी। ब्लेम, जस्टिफिकेशन एंड कंप्लेन एक तरह की दवाई है स्ट्रेस को दूर करने की। अभी से जब भी तुम्हें लगे कि तुम ब्लेम, जस्टिफाई या कंप्लेन कर रहे हो तो तुरंत उसे बंद करो और अपने आप को रिमाइंड कराओ कि तुम अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।